गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। पेपर मिल गया आपको? एग्जाम पेपर बोलियो। एग्जाम सबसे पहले मैं ही कर रहा था। कर लिया मैम? एग्जाम पेपर कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसा हुआ पेपर? यस मैम। यस मैम क्या कैसा हुआ पेपर? है इजी था मैम। ठीक था? ठीक था। कब करेंगे? क्या मैम हम कब करेंगे? ओके नीट मैम पेपर की पीडीएफ भेजनी है क्या? क्या नहीं नहीं उसको एक फाइल बना ली है आपको? फाइल कॉपी में अलग से कॉपी बना ली आप पेपर करो ना तो जैसे नोटबुक का बड़ी वाली नोटबुक आती है ना उसके बीच का पेज निकालना और उसमें सबसे पहले लिखना क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म एग्जाम का नाम। ठीक है कौन सा टर्म आपका? फर्स्ट टर्म है ना तो फर्स्ट टर्म लिखना है उसके बाद में क्लास सब्जेक्ट और डेट और नेम। ठीक है उसके बाद में आप क्या करोगे पेपर करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन करके राइट करना क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना साथ में और उसके बाद में आप करना ही। ठीक है अच्छे से उतारना। ठीक है चलो हम करते स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे हेल्दी हैबिट्स। हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया वेदर एंड सीजन। आज हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर नंबर 7 हेल्दी हैबिट्स। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हेल्दी हैबिट्स। ठीक है अब हमने पहले क्या पढ़ा था? फूड वी ईट में क्या पढ़ा था हमने? कौन सी हैबिट पढ़ी थी हमने बताओ? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हर्षवर्धन कौन सी हैबिट पढ़ी थी? कौन सी हैबिट पढ़ी थी हमने? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स खाने की अच्छी आदतें। तो ठीक है बेटा आज हम हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है हेल्दी यानी स्वस्थ हैबिट्स यानी आदतें ऐसी आदतें जिससे हमारी बॉडी क्या रह सके हेल्दी रह सके स्वस्थ रह सके। ओके अब मुझे ये बताओ बेटा कि आप जो ब्रश है वो कितनी बार करते हो? मैम हम तो वन बारी करते हैं। हाँ मैम वन बारी। अच्छा मैम टू टाइम। टू टाइम कौन करता है? टू टाइम मैम मैं हर्षवर्धन। मैम नाइट में भी मॉर्निंग में भी। झूठ कोई नहीं बोलेगा। ठीक है मैम हम तो वन टाइम ही करते हैं। क्या अच्छा मैम मैं तो वन मतलब होता है कब? जब हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं नहाते हैं तब कुछ भी पीते हो ना दूध वगैरह उससे पहले ब्रश किया करो।
उसके बाद में ही कुछ किया करो, ठीक है? जब आप खाना खाते हो, डिनर करते हो ना, उसके बाद में पहले, डिनर के बाद में और सोने से पहले क्या करना चाहिए, हमें वापस से ब्रश करनी चाहिए, ठीक है बेटा? आपने कभी सुना, आप जैसे आप लोग दो बार ब्रश करोगे तो आपकी मम्मी डांटेगी आपको? नो मैम, नो मैम, डांटेगी ना? क्यों? क्योंकि अच्छी आदत है, बल्कि सब तारीफ करेंगे, है ना? ठीक है ना, अच्छे करेगा। देखो जो ये हेल्थी हैबिट्स है वो हमें किससे फ्री रखती है? डिजीज से, ठीक है? जो बीमारियों से क्या रखती है? दूर रखती है। कौन सी आदतें? हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें, ठीक है? जो अच्छी आदतें हैं किससे दूर रखती है हमें, किससे फ्री रखती है? बीमारियों से, बीमारियों से, ठीक है। तो देखो बेटा हर्षवर्धन बताएगा आज जो ये रूटीन है इसका, हैबिट्स का, वो बताएगा कि वो क्या क्या करता है सुबह से लेके और शाम तक, रात तक। अब बताओ क्या शाम तक क्या है आपने अपना रखे जीवन में? नहीं बता सकता। चलो ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। देखो बेटा दो लड़के हैं, ठीक है? एक शाम है, एक शाम है। एक का नाम राम है, एक का नाम शाम है, ठीक है? राम जो है वो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, फ्रेश होता है, है ना? और जो डेली का रूटीन है वो करता है, ब्रश वगैरह ये करता है, टाइम पे खाना खाता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच लेता है दोपहर में, और रात को डिनर लेता है, और ओवरईटिंग नहीं करता है, है ना? बैलेंस डाइट का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है? तो राम का तो ये रूटीन है, ठीक है, डेली का। ओके, अब मैं बताती हूँ शाम की। जो शाम है वो ना तो टाइम से उठता है, वो सुबह 8 बजे उठता है, ठीक है? ना वो टाइम पे फ्रेश होता है, ना वो टाइम पे नहाता है, ना वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है बेटा? यानी ओवर ईटिंग कर लेता है, टाइम का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब खा रहा है वो। जो ब्रेकफास्ट है वो तो वो लंच में करता है, आफ्टरनून में करता है, लंच करता है डिनर में, यानी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो बेटा जो शाम है ना वो बार बार बीमार होता है, ठीक है? वो बार बार बीमार होता है। और जो राम है वो क्या है? वो स्वस्थ है, वो बीमार नहीं पड़ता कभी, वो फ्री डिजीज है। तो मुझे बताओ बेटा किसे फायदा हुआ? फायदा राम को हुआ या शाम को? राम का, राम का, राम को। क्यों? वो बीमारी से दूर क्यों रहता है? वो बीमार क्यों नहीं पड़ता? जो राम है वो बीमार क्यों नहीं पड़ता और जो शाम है वो बीमार क्यों पड़ता है? मैम शाम, मैम बोलो। राम मैम क्योंकि राम को डायबिटीज अपना करता है, शाम गंदी आदतें अपनी लाइफ में, हेल्दी हैबिट्स है जो वो अपना रखी है, और शाम में वो नहीं अपना गंदी है, हाँ है, बैड हैबिट, ठीक है ना? वो नहीं अपना रखता है और वो स्वस्थ है। तो समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या क्या करना चाहिए हमें, ठीक है? अब देखो ए हेल्दी बॉडी इज फ्री ऑफ डिजीज। आपको पता है जो हेल्दी बॉडी होगी, जो स्वस्थ शरीर होगा, वो किससे? बीमारियों से मुक्त होगा वो। हेल्दी बॉडी क्या बीमार होगी? अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो बीमार होंगे आप? नहीं होंगे ना? नो मैम, गिनीज मैम, गिनीज सीधा बैठ जा, बैठ के पढ़। लेट कैसे रहा है ये? लेट के
कोई नहीं पढ़ेगा मेरी क्लास में। तो बेटा हेल्दी बॉडी जो है वो किससे फ्री होती है? हेल्दी जी से। वेरी गुड। अब देखो प्लान हेल्दी हैबिट्स दे हेल्प अस कीप डिजीज अवे। अब देखो कुछ अच्छी आदतें हैं उनको हम सीखेंगे, वो देखो कैसे हमें डिजीज से फ्री रखती है हेल्दी हैबिट। अब देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट है वी शुड कीप आवर बॉडी clean. हमें हमारी बॉडी को क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए हमें? क्लीन रखना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए? क्या करते हो आप बताओ? मैम डेली बात करते हैं। वेरी गुड। डेली ब्रश करते हैं। हाँ ब्रश करते हैं। हाँ हाँ डेली ड्रेस चेंज करते हैं। हाँ और हेयर कॉम करते हो? हाँ यस। अपने नेल्स कट करते हो? नेल्स कट करते हो ना? Yes, yes, ma'am. अपनी जो टंग को साफ करते हो? करते हो? तो इससे हाँ, जो बॉडी है क्या रहेगी? क्लीन रहेगी, ठीक है? क्लीन। ओके। वो भी सुबह मॉर्निंग में, ऐसे नहीं शाम को कर रहे हो, ठीक है? सेकंड है वी शुड टेक एना रेस्ट एंड स्लीप। अब बेटा हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरी है? देखो एक तो रेस्ट भी जरूरी है, हमारी बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है। और ऐसा थोड़ी है कि आप काम ही करे जा रहे हो अपनी बॉडी को रेस्ट, नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो हमें रेस्ट करना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए, है ना? रात को नाइट में कितने बजे सोते हो आप लोग? देखो बेटा शुड स्लीप फॉर आवर्स एवरी नाइट। आप बच्चों के लिए कितनी नींद जरूरी है पता है? नाइट में बच्चों को नाइट में कितने घंटे ठीक है? ये पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है? तो बेटा बच्चों पूरे कितने घंटे सोना चाहिए? रात को 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, समझ गए? कितने घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए नाइट में? 8 घंटे की। बच्चों के लिए है कि बच्चों को तो नाइट में 8 घंटे 8 आवर्स पूरे सोने ही चाहिए, बच्चा सोना ही चाहिए, ठीक है? तो आप सब टाइम से सोया करो ताकि आप सुबह कौन मैम गिनेश? अच्छा झूठ भी बोलना हो तो 7 बजे सो जाता है? Yes, ma'am. झूठ मत बोलो गिनेश। Yes. कोई नहीं सकता 7 बजे सो जाता है। ठीक है तो समझ में आ गया बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए? एट, एट, एट,
घंटे। अच्छा पीयूष बता। पीयूष नहीं बताएगा। पीयूष चलो ठीक है। फिर है वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट। मैंने आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के टाइम भी बताया था कि हमें और ईटिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड टेक बैलेंस डाइट। ठीक है, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? अपनी डाइट का, अपनी डाइट का बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सुबह तो खा ही नहीं रहे और रात में पूरा फुल, ठीक है ना, ओवर ईटिंग कर लिया आपने। तो बेटा मैंने बताया था जो मील है वो कितने टाइम में लेना चाहिए, फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील, ठीक है ना? बताया था ना, मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट, ठीक है। और आफ्टरनून में हमें क्या करना चाहिए? लंच। लंच और लंच करना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा ओवरईटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना? ओवरईटिंग नहीं करना चाहिए ना, भूख होती है उससे कई बार। मम्मी ज्यादा आज तो टेस्टी वेजिटेबल बनी है तो चलो खा लेते हैं, तो वो ओवरईटिंग हुई, वो आपकी बॉडी के लिए क्या है? सही नहीं है, ओवरईटिंग, समझ गए? तो हमारी जो डाइट है उसका बैलेंस बना के रखना चाहिए हमें, ना तो ज्यादा कम खाओ ना ज्यादा खाओ, ठीक है? बैलेंस बना के रखो। और फ्री टाइम मिलो, ओके? यस मैम। We should exercise daily. We should. We should exercise daily. Yes, ma'am. अब मुझे पता हो कि आप सब में कौन बच्चे तो exercise करता है daily. झूठ मत बोल, झूठ कोई नहीं बोलेगा। बताओ मैम तो नहीं करते। मैम भी नहीं करते। मुझे बताओ करता कौन है एक्सरसाइज? कौन करता है? गुंजन आप करते हो एक्सरसाइज? नो मैम। और हर्षवर्धन? नो मैम। दक्ष आप करते हो? दक्ष दक्ष अपना माइक ऑन करो और कैमरा भी ऑन करो। चलो दक्ष खन्ना। नो मैम नहीं करता। नो मैम कैमरा ऑन कर लिया आपने? यस मैम। समझ में आ रहा बेटा? कैमरा तो ऑन नहीं किया आपने, कैमरा ऑन करो। मैम कर लिया। मैम नहीं किया। मैम नहीं करा। कितनी रे मुझे आप दक्ष? 1 मिनट। हाँ वेरी गुड दक्ष। आप एक दो दिन से क्लास ले रहे हो ना? आप कितने दिन से ले रहे हो क्लास? मैम कल से ही। कल से लिए तो जो पहले का है वो समझ में नहीं आया होगा, है ना? पेपर को अच्छे से करना, ठीक है बेटा? ओके मैम। तो देखो बेटा, वी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप सब डेली एक्सरसाइज करोगे मॉर्निंग में? अब करोगे? यस मैम। यस मैम। उठोगे सुबह जल्दी? यस मैम। हम तो कभी कभी करते हैं। क्या मैम? हम तो कभी करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कभी कभी नहीं, डेली करना है। ये डेली का रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठना, ठीक है ना? और क्या, कितनी बार ब्रश कितनी बार करोगे अब से? कितनी बार?
जिसके पास बुक है बुक में देख लो, पिक्चर दिख रही है? यस मैम। ये देखो, ये ठीक है, नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, देखो दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, ये दिन में कितनी बार ब्रश करता है? दो बार। अब देखो, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मीलिंग। क्या कर दिया? बॉडी को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। अब मुझे बताओ, आप जब खाना खाते हो उससे पहले हैंड वॉश करते हो? उसके बाद में करते हो? हाँ बेटा, करनी चाहिए हमेशा, टेक के बाद एवरीडे, ठीक है? मैम हमें क्या करना चाहिए और? मैम नहाना चाहिए, मैम सुबह मॉर्निंग में वॉक पे भी जाना चाहिए। क्या मैम? मॉर्निंग के वॉक में भी जाना चाहिए। और हमें जो क्लॉथ्स है वो भी क्लीन पहनने चाहिए, ऐसे नहीं कि गंदे पहन रखे हमने। क्या करना चाहिए? जो क्लॉथ्स है वो कैसे पहनने चाहिए हमें? नीट एंड क्लीन, साफ और अपने बालों को रोज कॉम्ब करना चाहिए, ठीक है? ठीक है। Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. M-O-U-T-H आ गया समझ में आपको? Yes ma'am। तो ये जो healthy habits है आप learn करोगे और अपनी notebook में work भी करोगे, ठीक है ना? Learn भी करोगे? Yes ma'am। और Yes ma'am। Thank you.